हमारा सौरमंडल, जो एक लंबे समय से 8 ज्ञात ग्रहों के तौर पर जाना जाता रहा था, जब से प्लूटो को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन बीते कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों को सौर मंडल में दूर सुदूर और गहराइयों में झांकते हुए कुछ ऐसे सबूत मिलने लगे जो इस ओर इशारा करते दिखाई दिए कि हो ना हो सौर मंडल में एक और ना दिखाई देने वाला ग्रह हो सकता है। एक लंबे अरसे से वैज्ञानिकों का एक दल इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट की स्थिति सौर मंडल में दूर सुदूर इसके आउटर एज पर मानते आ रहे हैं। प्लैनेट 9 नाम से जाना जाने वाला ये काल्पनिक ग्रह कई बार प्लैनेट एक्स नाम से भी जाना जाता रहा है। अब तक तो यह काल्पनिक दुनिया खोज से दूर ही रही है, लेकिन हाल ही में एक नए अध्ययन ने यह सुझाव दिए हैं कि इसे कहां होना चाहिए। दरअसल अब तक भी सीधे तौर पर ऑब्जर्वेशंस नहीं की जा सकी हैं, जो इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट 9 ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन को लेकर फिट बैठ सकें। प्लैनेट 9 को लेकर यह परिकल्पना दरअसल बहुत पुरानी है। जब 23 सितंबर साल 1846 को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए नेपच्यून ग्रह की खोज हुई, तब से ही काफी अटकलें लगनी शुरू हो चली थीं कि हो ना हो नेपच्यून ग्रह की ऑर्बिट से कई परे बाहरी सौर मंडल में एक और ग्रह हो सकता था। लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस के बाद अमेरिकन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल ने इस काल्पनिक ट्रांस नेपच्यूनियन ग्रह की ऑर्बिट और लोकेशन की भविष्यवाणी की और सन 1906 में इस ग्रह की भी खोज शुरू कर दी। उन्होंने इस हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट को तब प्लैनेट एक्स नाम दिया था। इस नाम को इससे पहले एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर गैब्रियल डेलेट द्वारा भी इस्तेमाल किया गया था। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड विलियम टॉम्बॉग ने लोवेल की इस खोज को जारी रखते हुए साल 1930 में प्लूटो की खोज कर डाली। लेकिन जल्द ही वे समझ गए कि ये ग्रह लोवेल के प्लैनेट एक्स के रूप में क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा छोटा था। वेल, प्लैनेट एक्स को लेकर यह खोज दशकों तक इसी तरह जारी रही। फिर 14 नवंबर साल 2003 को सौर मंडल में बेहद बाहरी क्षेत्र की ओर सेडना नामक एक माइनर प्लैनेट को खोज निकाला गया। साल 2004 में सेडना की अजीबोगरीब ऑर्बिट की खोज को देखते हुए ये अटकलें लगाई गईं कि सौर मंडल में अंदर की ओर आते हुए इसका सामना किसी बेहद ज्यादा मैसिव बॉडी के साथ होता है। सौर मंडल में ज्ञात सभी ग्रहों से अलग, यहाँ आपको बता दें कि सेडना सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर 937 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना दूर तक पहुँच जाता है। वहीं सूर्य से अपनी सबसे करीबी दूरी पर ये 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी दूरी पर होता है। अब यहाँ शोधकर्ताओं ने पाया कि सेडना की ऑर्बिट 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी की ओर आते हुए अलग हो जाती है, जो नेपच्यून ग्रह की ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की तुलना में बेहद ज्यादा दूरी है, क्योंकि सूर्य से नेपच्यून ग्रह की दूरी महज 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी दूरी के आसपास ही है। इसलिए यह तो पॉसिबल नहीं था कि नेपच्यून ग्रह सेडना की ऑर्बिट को प्रभावित कर सकता था। कई शोधकर्ताओं का मानना था कि सेडना नाम के इस माइनर प्लैनेट ने एक बेहद ज्यादा मैसिव बॉडी के इन्फ्लुएंस में आने के बाद ही इस ऑर्बिट में एंटर्ड किया हो सकता था। ये मैसिव बॉडी बेहद ज्यादा दूरी से सूर्य की ऑर्बिट करता हुआ एक अननोन प्लैनेट हो सकता था, लगभग सूर्य के साथ ही बना ओपन क्लस्टर का एक सदस्य, या तो किसी दूसरे तारे के इर्द गिर्द बना जो बाद में सौर मंडल के करीब से गुजरा हो, जिसके चलते सूर्य ने इसे अपनी ऑर्बिट में बांध लिया हो। फिर मार्च साल 2014 में इसी तरह की ऑर्बिट में तकरीबन 80 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर 2012 VP113 नाम के सेडना जैसे ऑब्जेक्ट की खोज ने नए सिरे से अटकलें लगाई कि एक अज्ञात सुपर अर्थ श्रेणी का ग्रह दूर के सौर मंडल में बना हुआ है। साल 2014 में एस्ट्रोनॉमर्स चार्ल्स ट्रुजिलो और स्कॉट एस शेफर्ड ने सेडना और 2012 VP113 के साथ साथ कुछ और एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स में एक जैसी सिमिलैरिटीज को नोटिस किया। तब इन दोनों ने एक थ्योरी प्रपोज्ड की कि लगभग 200 से 300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर सर्कुलर ऑर्बिट में एक अज्ञात ग्रह इन ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। फिर साल 2016 की शुरुआत में भी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोनॉमर्स माइक ब्राउन, जिनका रोल प्लूटो को 9th प्लैनेट से डिमोट करने में भी रहा था, इनके साथ कॉन्स्टेंटिन बेटिगन ने 6 सेडना जैसे एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की सिमिलर जैसी ऑर्बिट्स को डिस्क्राइब करते हुए प्लैनेट 9 और इसकी पॉसिबल ऑर्बिट को प्रपोज्ड किया था। यहाँ पर शोधकर्ताओं ने एक तर्क यह भी रखा कि अगर काइपर बेल्ट से परे ऐसा कोई ग्रह मौजूद नहीं है, तो आप उम्मीद करेंगे कि काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगी सौर मंडल में ऑर्बिटल प्लेन में। लेकिन इसके बजाय हमने देखा कि बहुत सारे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स एक ही ओरिएंटेशन के साथ क्लस्टर्ड में मौजूद है। यह संभव है कि यह महज किसी संयोग के कारण हो, लेकिन शोधकर्ताओं को ऐसा संयोग संभव नहीं लगता।
2016 में वापस जब शोधकर्ताओं ने काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स के स्टेटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाव को देखा तो यह निष्कर्ष निकाला कि इन एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की क्लस्टरिंग का कारण एक अनडिटेक्टेड आउटर प्लैनेट हो सकता था। उनकी कैलकुलेशंस के आधार पर इस ग्रह का मैस हमारी पृथ्वी के तुलनात्मक जहां 5 से 10 गुना तक ज्यादा मैसिव हो सकता है, वहीं इसकी दूरी सूर्य और नेपच्यून की दूरी के तुलनात्मक 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। इस दूरी से देखा जाए तो ये तकरीबन 10 से 20 हजार साल लगाता होगा सूर्य की एक ऑर्बिट को पूरा करने में। इसी रिसर्च के चलते जब आसमान के एक बड़े रीजन की कैलकुलेशंस की गईं जहां ये ग्रह हो सकता था, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला, जिसके चलते कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये ग्रह मौजूद नहीं है, क्योंकि सेडना जैसे एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिटल ऑडनेस या कहें गड़बड़ी यह साबित नहीं करती है कि कोई ग्रह मौजूद हो। वहीं यहीं पर कुछ का मानना है कि प्लैनेट 9 जैसा कोई ऑब्जेक्ट मौजूद जरूर है, पर वह दिखाई इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वह एक प्रीमोर्डियल ब्लैक होल भी हो सकता है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये भी है कि आउटर सोलर सिस्टम में इन तरह के पिंडों को खोज पाना बेहद मुश्किल कामों में से एक है, इसलिए शोधकर्ता इन्हें वहाँ ढूंढते हैं जहाँ यह कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक हो। हमें जो क्लस्टरिंग इफेक्ट नजर आया है, हो सकता है कि वह डेटा में किसी वजह से आया हो, लेकिन फिर बात यहाँ ये भी है कि इन ऑब्जर्वेशनल इफेक्ट्स को जब वापस से देखा गया तो ऑथर्स ने पाया कि क्लस्टरिंग अभी भी स्टैटिस्टिकली असामान्य ही थी। अब जब 2021 में उन्होंने प्लैनेट 9 की संभावित ऑर्बिट को रीकैलकुलेटेड या कहें रीफाइंड किया तो वे यह पता लगाने में सक्षम थे कि कहां देखना है। इस हालिया हुए अध्ययन का एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि इस स्टडी में प्लैनेट 9 की जो न्यूली कैलकुलेटेड ऑर्बिट सामने निकल कर आई वह इस हाइपोथेटिकल ग्रह को पिछली सोची गई दूरी के तुलनात्मक सूर्य के और करीब ला खड़ा करती है, करीबन 380 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी तक, जो कि बहुत अजीब है क्योंकि अगर ये वाकई करीब होता तो हमें ये अब तक दिख जाना चाहिए था। जिसके तहत शोधकर्ताओं का तर्क है कि ऑब्जर्वेशंस ने प्लैनेट 9 के करीबी विकल्पों यानी ऑप्शंस को खारिज कर दिया है, जो इसकी संभावित लोकेशन को और भी कम करने में मदद करता है। यदि ये ग्रह वाकई में मौजूद है तो निकट भविष्य में वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। यह हालिया हुई स्टडी कोई निर्णायक या कहें कॉन्क्लूसिव नहीं है। कई खगोलविद जहां यह तर्क देते नजर आते हैं कि प्लैनेट 9 जैसा कोई ग्रह मौजूद नहीं है, तो वहीं कुछ खगोलविदों का दल इसकी संभावनाओं को आज भी नहीं नकारता है। लेकिन यह हालिया हुई स्टडी यह स्पष्ट करती है कि हमें इसके बारे में अब और अधिक समय तक बहस नहीं करनी पड़ेगी, या तो इसे निकट भविष्य में जल्दी ही खोज लिया जाएगा या तो फिर ऑब्जर्वेशंस काइपर बेल्ट क्लस्टरिंग इफेक्ट की एक्सप्लेनेशंस के रूप में इसके अस्तित्व को खारिज कर देंगी। आप प्लैनेट 9 के अस्तित्व को लेकर क्या विचार रखते हैं? क्या ये ग्रह वाकई में हमारे बाहरी सौर मंडल में तैर रहा है या इसका अस्तित्व महज एक कोरी कल्पना है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वेल, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज के इस एपिसोड से कुछ भी नया जानने और सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा इस नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड के साथ ही मिल सकें। तो अब मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद।